आज हम देखेंगे क्लास टेंथ चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पलर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये क्या है, इसे देखते हैं। अप टू विच एलिमेंट्स द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वॉज फाउंड टू बी एप्लीकेबल, यानी हमारा जो लॉ ऑफ एक्टिव ऑक्टेव है जो कि न्यूलैंड ने दिया था वो कहाँ तक एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, कैल्शियम, कोबाल्ट, पोटेशियम। तो यहाँ हमको पता है कि ऑक्टेव ने जो लॉ दिया था वो सिर्फ कैल्शियम तक ही फॉलो हो पाया था, यानी एटॉमिक नंबर 40 तक ही फॉलो हो पाया था। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज एप्लीकेबल टू द एलिमेंट्स विच एटॉमिक मास अप टू 40, यानी जिनका एटॉमिक मास 40 था सिर्फ वहाँ तक ही ये लॉ ऑफ ऑक्टेव काम कर पाया था। इसके बाद देखा गया कि लॉ ऑफ ऑक्टेव सही साबित नहीं हो पा रहा था, यानी एटॉमिक मास 40 तक ही ये इसमें जो 8th एलिमेंट था वो फर्स्ट एलिमेंट की तरीके की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रखता था। तो इस तरीके से जो न्यूलैंड थे जिन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिए था उन्होंने 40 एटॉमिक मास तक ही सही इनकी थ्योरी चली थी। ये सर जॉन न्यूलैंड की फ़ोटो है, आप देख सकते हैं। तो इन्होंने ही लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, यानी मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दी थी उसके अकॉर्डिंग द एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन पीरियोडिक टेबल, जो एलिमेंट्स थे वो पीरियोडिक टेबल में अरेंज किए गए थे इन द ऑर्डर ऑफ, उसमें ऑर्डर कौन सा था। तो हमको पता है कि जो मेंडलीव थे उन्होंने प्रॉपर्टीज़ को उसमें पीरियोडिक टेबल में ऐसे अरेंज की थी जो एलिमेंट्स थे उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यानी जो एटॉमिक मास था हर एलिमेंट का वो बढ़ते क्रम में था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास था, यानी पहले छोटा था और फिर उसके बाद बड़ा। इस तरीके से एटॉमिक मास के आधार पर मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी। तो इसका आंसर है सही सी, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बनाया था अपना मॉडर्न मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल गैप्स वर लेफ्ट फॉर द एलिमेंट टू बी डिस्कवर्ड लेटर। मॉडर्न जो मेंडलीव टेबल था उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसमें गैप्स छोड़ दिए थे कि कोई भी एलिमेंट जो फ्यूचर में डिस्कवर होगा वो इस गैप में रख दिया जाएगा, और ये बात उनकी सही भी साबित हुई। यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द एलिमेंट्स फाउंड अ प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल, इस तरीके से पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से एलिमेंट्स बाद में रखे गए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जर्मेनियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। तो इसमें जो जर्मेनियम है, जर्मेनियम एलिमेंट बाद में रखा गया जिसमें उन्होंने गैप छोड़ा था और जिसका नाम था एका बोरोन। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। मेंडलीव नेम यूज अननेम्ड एलिमेंट इज एका बोरोन, जिसमें उन्होंने एका बोरोन रखा था। एका बोरोन में उन्होंने बताया था कि यहाँ पे एका एल्युमिनियम था एंड एका सिलिकॉन विच वर लेटर रिप्लेस्ड इज स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम रेस्पेक्टिवली, यानी कि एका सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम था और एका एल्युमिनियम की जगह गैलियम था और एका बोरोन की जगह स्कैंडियम था। तो ये तीन एलिमेंट्स थे जो इनके लिए इन्होंने गैप छोड़ दिए थे और उसको बाद में यहाँ पे रखा गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर इनकरेक्ट, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट हमको ढूंढना है। तो यहाँ पे लिखा है पहले एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, यानी जो एलिमेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसमें एलिमेंट्स को डिक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे रखा गया है, ये तो नहीं रखा गया है क्योंकि उसमें हमने एटॉमिक नंबर को मेन प्रॉपर्टी माना है और एटॉमिक प्रॉपर्टी जो होती है वो एटॉमिक नंबर डिसाइड करता है, इसलिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर को हमने एक इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे रखा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग हो जाएगी। अब ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। अगला यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ
इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, तो ये तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का फीचर है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यानी दो रॉन्ग हो चुके, फर्स्ट सेकंड। अब थर्ड है, आइसोटॉप्स आर प्लेस्ड इन एडजॉइनिंग ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप्स के लिए ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब चौथा है, द एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन है ए, फर्स्ट ओनली, नहीं हमको पता है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीनों क्या है, इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, हेंस ऑप्शन फर्स्ट इज रॉन्ग। फिर दूसरे में लिखा हुआ है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास इज नॉट क्राइटेरिया, हेंस ऑप्शन सेकंड इज आल्सो रॉन्ग। और आइसोटॉप्स जो है वो सेम पोजीशन में है इन पीरियोडिक टेबल, इस तरीके से थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग है, और चौथा जो है वो बिल्कुल सही है। अब अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट। वहाँ पे हमने इनकरेक्ट देखा था, यहाँ पे हम करेक्ट देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट हैज़ 18 हॉरिजेंटल रोज नोन एज पीरियड्स। यानी हॉरिजेंटल रोज हैं जिनको हम पीरियड्स कहते हैं। यानी कि हमें पता है कि जो हॉरिजेंटल रोज हैं उन्हें पीरियड्स कहते हैं, और ये इनकी संख्या है 7, यानी ये 7 है, जबकि जो वर्टिकल कॉलम्स हैं ये 18 है। तो इसी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए हमें इसे करना है। तो यहाँ पर जो लिखा है 18 हॉरिजेंटल रोज नोन एज पीरियड्स, तो ये रॉन्ग है। और फिर दूसरा है, इट हैज़ 7 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज पीरियड्स, तो इसमें जो 7 वर्टिकल कॉलम्स लेकिन बताया क्या गया है पीरियड्स, तो ये जो है वर्टिकल नहीं होते, ये हॉरिजॉन्टल होते हैं पीरियड्स, इस तरीके से ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर अगला है, 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स, तो ये बिल्कुल सही है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिन्हें ग्रुप्स कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, इट हैज़ 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज ग्रुप्स, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि हमें पता है कि जो हॉरिजेंटल रोज हैं, हॉरिजेंटल को ग्रुप्स नहीं पीरियड कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, यहाँ पे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, और इसमें बताया गया है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स, यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल शो की गई है। वर्टिकल कॉलम्स जो है इन्हें हम कहते हैं कि वर्टिकल कॉलम्स को कहा जाता है ग्रुप्स, जो कि 18 है, तो ये जो है ग्रुप्स हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, ये हॉरिजॉन्टल जो है इसे कहते हैं पीरियड्स, और इनकी संख्या जो है, जो नंबर है इनका 7 है, तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच ऑफ द गिवन फॉलोइंग गिवन एलिमेंट्स ए बी सी डी एंड विथ एटॉमिक नंबर 2, 3, 7, 10 and 30 रेस्पेक्टिवली बिलोंग टू द सेम पीरियड। हमें बताना है कि इनमें से कौन से एलिमेंट्स ए बी सी डी ई में से जो है कि ये मतलब वही एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं, सेम पीरियड लिखा हुआ है। तो सेम पीरियड के लिए क्या है कि जिसमें वैलेंस सेल जो है वो सेम हो, वो सेम पीरियड से बिलोंग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ए है, ए के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो बनता है ये 2, इसका एक है। उसके बाद अगर हम बी का देखें, बी का एटॉमिक नंबर है 3, तो 3 एटॉमिक नंबर का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2, 1। उसके बाद यहाँ पे है 7, 7 का अगर देखें तो इसका बनेगा 2, 5, इसमें भी 2 है, तो यानी 3 और 7 सेम में आ जाएंगे। तो अब यानी बी और सी, अब डी को चेक कर लेते हैं, तो डी का एटॉमिक नंबर है 10, तो 10 में अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2, 8। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये तीनों जो है यानी बी सी और डी, ये तीनों एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, एक ही पीरियड में आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक ही पीरियड यानी इनके जो वैलेंस सेल है वो सेम है, दो दो हैं, इसलिए यहाँ पे बी सी डी जो है
वो सही हो जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है जो कि करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एलिमेंट्स ए बी सी डी एंड ई हैव एटॉमिक नंबर 9, 11, 17, 12 and 13 रेस्पेक्टिवली, विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग टू सेम ग्रुप। हमें अब बताना है कि कौन सा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम ग्रुप से बिलोंग करता है। तो सेम ग्रुप के लिए क्या कंडीशन होती है? सेम ग्रुप के लिए होता है कि जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सेम होंगे। तो यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे पहले 9 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें तो होगा 2.7, तो 2.7 इसका हो जाएगा। फिर उसके बाद इसी तरीके से बी का चेक करेंगे और इसमें है 11, तो हो जाएगा 2.8.1, ये नहीं होगा। फिर 17 का चेक करेंगे तो हो जाएगा 2.8.7। तो यहाँ पे ये और ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, यानी कि जो ए है और सी है ये मैच कर रहे हैं। तो अब हम ऑप्शन में देखेंगे, तो ए और सी का ऑप्शन दिया है, तो ये सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.8 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप 2.8 वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका है उसको आप कहाँ पर प्लेस करेंगे, यानी ग्रुप बताना है हमको। तो यहाँ पे देखिए, जो 2.8 यानी कि इसका जो लास्ट सेल है और ये पूरी तरीके से स्टेबल एलिमेंट है, क्योंकि इसकी वैलेंसी जो है लास्ट में फुल है, स्टेबल है। इसलिए जितने भी स्टेबल स्टेबल एलिमेंट्स होंगे वो ग्रुप नंबर 18 में जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है ग्रुप 18 हैज़ इट्स आउटर मोस्ट सेल कम्प्लीटली फिल्ड। जो आउटर मोस्ट सेल होता है वो कम्प्लीटली फिल होता है, जैसे कि यहाँ पे 2.8 है। हेंस एलिमेंट विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग्स टू ग्रुप 18। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है, एन एलिमेंट विच इज़ एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिलोंग टू, यानी कि जो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कॉन्स्टिट्यूएंट्स है तो वो क्या होगा? वो होगा कार्बन, बिल्कुल, जो कि ग्रुप नंबर 14 में है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्रुप नंबर 14 बी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग कंपाउंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट सेल फॉर एलिमेंट ऑफ पीरियड 2, यानी जो पीरियड 2 का एलिमेंट होगा उसके पास कितने सेल होंगे? उसके पास दो ही सेल होंगे, या तो होगा K और या होगा L, यानी कि मैक्सिमम उसमें दो, यानी कि K और L सेल होंगे। तो इसमें लिखा है आउटर मोस्ट सेल, तो आउटर मोस्ट सेल 2 होगा, यानी कि L होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी L सेल। और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। इन पीरियड सेकेंड देयर आर 2 सेल्स के एंड एल। इस तरीके से हमने 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ ये किया, और ऐसे ही हम आगे वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग।